नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरें फटाफट। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज 24 अप्रैल 2020 है। आइए जानते हैं बिहार के साथ देश दुनिया की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। 24 अप्रैल 2020 की सबसे बड़ी खबर, 27 नए मरीजों के साथ राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 170 पहुंची। बिहार में गुरुवार को कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 27 नए मरीजों की पहचान की गई। इसमें 8 मरीज पटना के खाजपुर इलाके के हैं। ये सभी एक ही घर के रहने वाले हैं। इनमें 2 किराएदार और बाकी के 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं। खाजपुर में अब तक 17 नए जबकि पटना में 25 मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 170 पहुंच गई है। देश में एक दिन में 1229 नए संक्रमित मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,700 तक पहुंची। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 1229 नए संक्रमण के मामले मिले हैं, वहीं 34 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देर शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,700 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 686 हो चुका है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 20% तक पहुंच रही है। अब तक 4,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 16,689 लोगों का इलाज चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सूबे में घर घर सर्वे का दायरा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर चल रहे घर घर सर्वे का दायरा बढ़ाएं। जिलों की प्राथमिकता तय करते हुए सभी जिलों में घर घर स्क्रीनिंग शुरू कराएं, ताकि शुरू में ही लक्षणों के आधार पर उन्हें चिन्हित कर समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। सीएम ने कोरोना संक्रमण से उपलब्ध वर्तमान स्थिति पर गुरुवार को मुख्य सचिव व अन्य वरीय पदाधिकारियों के संग गहन समीक्षा की और कई निर्देश भी जारी किए। बिहार में अब सभी के लिए मास्क लगाना होगा अनिवार्य। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण के विस्तार को देखते हुए सभी नागरिकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने महामारी कानून के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए सभी नागरिकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जून 2021 तक नहीं बढ़ेगा। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह रोक वर्ष 2021 के जून तक रहेगी। बिहार से बाहर फंसे हुए हैं 17 लाख बिहारी, लाना संभव नहीं है। लॉकडाउन में 17 लाख से ज्यादा बिहारी देश के अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। सभी को भोजन, राशन व तत्काल 1,000 रुपए की मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है। बिहार सरकार ने यह स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार को पटना हाई कोर्ट को दी है। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन अवधि में कोटा या देश के किसी भी हिस्से में फंसे बिहारियों को वापस नहीं लाया जा सकता है। रिपोर्ट हाईकोर्ट के महानिबंधक कार्यालय को सौंपी गई है। निर्माण सामग्री की दुकान खुलवाने को डीएम अधिकृत। निर्माण सामग्री के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री, छड़, सीमेंट, गिट्टी आदि का गोदाम प्रतिष्ठान खोलने की कार्रवाई की जा रही है। छड़, गिट्टी, सीमेंट आदि की गोदाम प्रतिष्ठान खुलवाने के लिए सभी डीएम को प्राधिकृत किया गया है। बिहार में खुलेगी किताब, कॉपी व पंखे की दुकान। बिहार में कॉपी किताब के साथ पंखों की दुकान भी खुलेगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। दुकानें खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। डीएम स्थानीय स्थिति के अनुसार इसे तय करेंगे। डॉक्टर का शिकायत करना ही सजा के लिए पर्याप्त। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और अस्पताल या स्वास्थ्य उपकरणों का नुकसान पहुंचाने वालों के साथ अदालत भी सख्ती से निपटेगी। विभाग की शिकायत पर ही अदालत यह मान लेगी कि हमलावर ही दोषी हैं। हड़ताली शिक्षक और बिहार सरकार के बीच वार्ता को लेकर गतिरोध अभी भी कायम। राज्य में नियोजित शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर चल रही शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बुधवार को 67 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार और शिक्षकों के बीच वार्ता को लेकर बनी गतिरोध की स्थिति अभी भी कायम है। लॉकडाउन के बाद पूरी होगी शिक्षकों की भर्ती।
ऐसी पंचायतें जहां अभी तक हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं थी वहां इस साल हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू की जानी है। इसके लिए 33,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू की जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।